एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुणाल है और आज अगर मैं अपने लेवल की बात करूं तो डायमंड डायरेक्टर का लेवल है। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में मिलाने आया हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरी अर्निंग 1,62,000 के आसपास है और मैं भी आया हूं लोकनायक हॉस्पिटल के पास में। एक हॉस्पिटल है जीबी पंत, जहाँ पे हमारे एक बहुत ही स्पेशल कलीग आए हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो आज से ठीक 2 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 15 महीने डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस के साथ काम किया और 15 महीने के अंदर उनकी इनकम यहाँ से 1,00,000 रुपए से प्लस हो गई थी। लेकिन उसके बाद उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, उनको एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से उनको बेड रेस्ट लेना पड़ा 6 महीने का। लेकिन 6 महीने बेड रेस्ट लेने के बाद भी उनको कंटिन्यू 1,00,000 रुपए की अर्निंग आती रही। उसके बाद अक्टूबर में उनका एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अभी रिसेंटली एक और उनका ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे आज हम उनसे मिलने आए हैं हॉस्पिटल में। लेकिन उनकी अर्निंग फिर भी कंटिन्यू आ रहे हैं। बाकी उनकी जर्नी, उनकी लाइफ स्टाइल उन्हीं के थ्रू जानेंगे। तो मैं आगे की आवाज एक बार हमारे ग्रेट लीडर पुष्पेंद्र जी के लिए, जो कि अपने बारे में आपको बताएंगे। जी हाय एवरीवन, माय नेम इज पुष्पेंद्र और मैं बेसिकली दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मेरे कलीग कुणाल जी ने कहा कि मैंने इस बिजनेस को तकरीबन 15 महीने ही एक्टिवली काम कर पाया था और मेरी पहली सर्जरी जो हुई वो अक्टूबर 2018 में हुई थी, आज से 1 साल 1 महीने पहले। उस समय मेरा जो चेक था वो 1,22,000 रुपये है और तब से लेकर अभी तक मैं काम नहीं कर पाया हूँ। और इस 1 साल के अंदर मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि विदाउट डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग इन वर्क इन वेस्टीज मेरी अभी भी इनकम आती है बिना काम के हुए 1,25,000 रुपये पर मंथ। इसलिए वेस्टीज करना चाहिए गाइज। अब सोचिए, अगर मैं किसी बिजनेस में होता या अपनी जॉब कर रहा होता तो वहाँ से एक्टिव इनकम आ रही होती और जो कि नहीं आ पाती विदाउट काम के। बट दिस इज द सुपर पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री के यहाँ से पैसिव इनकम अभी भी आ रही है, राइट? और अब मैं सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, उससे बड़ी बात यह है कि आज मेरे पास मेरे जैसे भाई हैं, नदीम भाई हैं और इतनी बड़ी टीम है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, और मेरी जो टीम है वो सब मेरे लिए दुआ करती है और आज उन्हीं की दुआओं की बदौलत आज मैं ठीक भी हो चुका हूँ और बहुत ही जल्दी बिजनेस में दोबारा से एक्टिवली काम करने के लिए आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच विशु भाई।